नो इंटरव्यू, लिटरली नो इंटरव्यू। ओ माय गॉड, नो इंटरव्यू भाई साहब, अभी तो कोई जॉब ही नहीं लगी। हेलो दोस्तों, वेलकम आई टू न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का डेली ब्लॉग शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज का गुड मॉर्निंग हो रहा है ना, टाइम क्या हो रहा है भैया? 2:00 तो सो गुड आफ्टरनून गाइस, आज का ब्लॉग जो है काफी लेट स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस मैं सुबह सुबह इतना मतलब काफी मतलब थोड़ा सा टेंशन में था मैं, तो इसलिए भाई मैं भूल ही गया ब्लॉग स्टार्ट करना। और भाई जब से आप स्टार्ट कर रहा हूँ काफी सारे काम भी कर दिए, तो भाई मैं तो थोड़ा बहुत दिखाना ही भूल गया आपको काफी सारे जो काम करे थे। तो अब देखते हैं अपना ब्लॉग आज कैसे बनता है कैसे नहीं, काफी टाइम भी हो चुका है, वरना तो अभी तक तो काफी सारे ब्लॉग बना देता हूँ मैं। और अभी नितिन के साथ आए हैं अभी गली में, वैसे बाहर बैठे हुए थे, पबजी खेलने क्या? तो पबजी खेलने आए अभी हम, तो चलो पबजी खेलते हैं इसके साथ। दोस्तों काफी दिनों बाद आए हैं भाई भाई के पास, तो अपना यहाँ पर थोड़ा सा देख रहे हैं भाई काम वाम कैसा हो रहा है ये देखो। तो अभी मेरे साथ राज भी आया था, तो देखते काम के साथ थोड़ा बहुत मैं भी काम सीख रहा हूँ। तो भाई कुछ भी चीज़ें सीखनी चाहिए लाइफ में कुछ भी हो, तो अभी तो देखते कैसे कैसे अभी इसमें लगा रहे हैं एल। तो आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम ब्लॉग में एल कैसे लगती है, तो चलो देखते हैं। नाक में जो उसका गर्द उड़ रहा था ना भाई, धूल छोटे छोटे धूल सी उड़ रही थी भाई, पूरे नाक एकदम ऐसी लग रही थी, छीक बार बार छीक आ रही थी मेरी। तो अभी घर पे आए भाई, मुँह हाथ धोया सही से, तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ है। और अभी टाइम भी हो चुका है 4 बज गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो एडिट कर लेते हैं, देखते अभी थोड़ी देर में करूँगा नहीं करूँगा वीडियो एडिट। और अभी लक्ष्मी बना रही है चाय, तो जब तक चाय बन भी गई मेरे घर से बन गई चाय, तो अपने चाय पीते हैं फिर चलते हैं वीडियो अपलोड करने फटाफट। अभी चाय तो पी लिए, तो अभी चलते हैं वीडियो अपलोड करने। तो दोस्तों आज का वीडियो अपलोड करके, तो दुकान में भीड़ हो रही थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने वहाँ पर बनाई नहीं। संजना क्या खा रही है? आम आम तो आम तो लग नहीं रही है, देखे क्या ये आम तो नहीं है ये? मुझे क्या पता, तू खा तो रही है। बब्बू को सा एक चाटा पड़ते थप्पड़ पड़ेगा, बन जाएगी डोसा। तो दोस्तों हो चुका है खाने का टाइम, तो चलो खाना वाना खाते हैं, देखते हैं क्या बना क्या नहीं। तो गाइज अपना डिनर आ चुका है, तो गाइज रोटी बेसन की सब्जी, वो ये कौन सी भाई, शिमला आलू की सब्जी, और ये आपको मिर्च लग रही होगी बट ये है करेले छोटे छोटे से, बताओ उगने भी नहीं दिए खेत में और पहले लिया है, बताओ। तो चलो खाते हैं। तो दोस्तों खाना खा लिया, लिटरली काफी टेस्टी बना था खाना, तो अभी चलते हैं बाहर। तो गाइज इन लोगों ने तो अभी खाया नहीं खाना, देखो अभी तक खा रहे हैं, तो जल्दी खाया करो भैया, मैं तो सबसे पहले खा लेता हूँ। तो गाइस अभी चलते हैं सामान लेने के लिए, मम्मी ने सामान मंगाया, तो चलो फिर सामान लेने चलते हैं। दोस्तों आ चुके अभी मेडिकल पे, और भाई अभी यहाँ पर चल रहे भाई गाने चल रहे फुल बस्ती वाले भाई, और भाई तो भाई बिजी है अपने कस्टमर पे, और भाई यहाँ पर बैठे जितेंद्र भाई। और जितेंद्र भाई सब बढ़िया? बढ़िया, बड़े दिनों बाद आए ब्लॉग में भाई। बस ऐसे ही थोड़ा बिजी चल रहा हूँ जॉब ऑफिसर से। जॉब ऑफिसर? और मिली नहीं मिली भाई जॉब? अभी आई डिडंट गेट जॉब, नहीं मिल पाई, बेरोजगारी बहुत है समाज में। ए यार क्या करें यार, बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, आपको ही पता है कि भाई मैं अपने मतलब व्यूअर को बताते रहता हूँ मैं भी आज जॉब से आया हूँ भाई इंटरव्यू देके, बट क्या करें सही से मिल ही नहीं पाती है भाई। नो इंटरव्यू देने के बाद अभी कहीं से कॉल नहीं आई। नो इंटरव्यू, लिटरली नो इंटरव्यू। ओ माय गॉड, नो इंटरव्यू भाई साहब, अभी तो कोई जॉब ही नहीं लगी। कोई जॉब नहीं लगी? तो यार तुम तो यार बहुत ज्यादा परेशान होंगे इस टाइम। बहुत परेशान, चिंतित हूं, डिप्रेशन में मतलब हो रहा है, और बहुत ज्यादा थके हुए से भी लग रहे हो यार। हाँ, बाहर आज मैं गया था करोल बाग में, तो वहाँ पर 20,000 सैलरी बता रहे थे, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि 12,000 दे रहे हैं। अच्छा जी, 11 घंटे यार फ्रॉड मार्केट में इतना ज्यादा है, लिटरली इतना फ्रॉड है बहुत ज्यादा मार्केट में यार। मैं कहता हूँ कि आप जब भी कोई हर कहीं जॉब करने जाते हो तो रिज्यूम मांगते हो। हाँ हाँ मांगते हैं बिल्कुल, मार्केट में जॉब जब मिलती है आपके पास रेफरेंस हो भाई, बैग अच्छी हो, ये बात तो हेल्पफुली भी जॉब मिलेगी, ये बात तो बहुत सही की भाई तुमने। और कुछ कहना चाहेंगे जितना भाई, बड़े दिनों बाद आए भाई ब्लॉग में? कहना क्या है, बस परेशान चल रहे हैं बस थोड़ा बहुत। और भाई अभी खाना वाना खा के आए थे बिल्कुल अभी। तो गाइज मौसी हमें देख रही है, फोन चला रही है अभी तो। और गाइज यहाँ पर चल रहे हैं गाने, सुहेल सुनना। तो गाइज जितना भाई हमसे कुछ बोल रहे थे, क्या हो जितना भाई?
भाई आज के सब जमाने में ना नौकरी ना छोकरी है तो जिंदगी ऐसी चली छोकरी भी नहीं है कुछ भी नहीं है भाई आम नल्ला तो गाइस यहाँ पर बिल्कुल भाई नल्ले बैठे हुए ये देखो सबसे बड़ा नल्ला दिख गया चुटिया बांध के बैठा हुआ है मैं ऐसी है ये चुटिया ही दिखाता रहेगा जिंदगी भर तो तभी लेके आया ऐसे दवा बिकॉज संजना के जो घुटनों में इतना ज्यादा दर्द रहता बहुत ज्यादा तो उसकी वजह से दवाई लेके आए तो होपफुली ये पीने के बाद अब पहले से जो है मतलब आराम पड़ेगा नहीं तो वो देखेंगे पीने के बाद तो देखते हैं आराम पड़ता है नहीं पड़ता दोस्तों मैं तो नहा लिया हूँ और भाई हो चुका है सोने का समय और भाई टाइम भी काफ़ी हो चुका है तो भाई सब लोग सो ही रहे हैं बस मैं ये एंड करने वाला हूँ ब्लॉग का तो अगर गाइस वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ तो जय हिंद दोस्तों वंदे मातरम बाय बाय टाटा और गाइस जो सब्सक्राइब के बगल में जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का उसे दबा के कर दो काला और भाई बेल आइकन जो छोटी सी बेल है उसके बराबर में उसको और भी प्रेस जरूर कर देना ताकि मेरी न्यू से न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे करो यार भाव मत खाया करो यार कर दे करो सब्सक्राइब एक बस आपको बटन दबाना आपके आप चैनल से जुड़ जाओगे और भाई आपको पता है संडे के दिन आपको अच्छे अच्छे जो चोर व्यार के ब्लॉग है मैं आपको दिखाता रहता हूँ लाता रहता हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे तो भाई चैनल से जुड़ जाओ करो मत यार ऐसी बात मत करो इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं मुझे चाहिए ही चाहिए तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे पैसों के पीछे भागना है बाय।